गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज है संडे और टाइम हो रहा है 5:45। तो आज निकल गए भाई, तो इन लोग को बोल दिया, सब सो रहा है अभी तो फिलहाल, तो अपन निकल चुके हैं क्योंकि टाइम से निकलना है वरना पता बहुत ट्रैफिक हो जाएगा। ठीक है तो सीधा ऑन द वे ही मिलेंगे हम। आगरा का रूट लगाते हैं, मैप सेट करते हैं, हॉटस्पॉट खोलते हैं। भाई कहाँ तक जा रहे हो बताओ सर? आगरा। आगरा ही आ रहे हैं, बैठा लीजिए भाई, अपन फिर आगरा निकल रहे हैं 5:48। तो बस आगरा के लिए निकल गए। सर भी मिल गए। सर कहाँ से हो आप? आगरा ही से हो आप? सही है, आप मिल गए। अपन GPS सेट करते हैं और निकलते हैं। चलो भाई, मस्त रोड है, पूरे में साइड में ट्री व्री सब लगे हुए हैं, कोई लोड नहीं है यहाँ पे पॉल्यूशन का, बस ट्रकों का थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा है, वरना तो एवरीथिंग इज़ फाइन। बस सर के साथ बढ़िया बातें करते हुए जा रहे हैं, मस्त। सर में गए, अकेले रास्ता नहीं कट रहा था, वरना अकेले रास्ता कटने में देखा तो बढ़िया मस्त इन्जॉय होते हुए जा रहा। सर भी बढ़िया मस्त मस्त बातें कर रहे हैं। ये अंकल को छोड़ दिया, अंकल एक मिनट। हाँ आप खुल जाओ, आराम से जाना भाई। बिल्कुल आराम से ही आएंगे हम। ठीक है भैया, ये फोर्ट की साइड का वो चल रहा आगरा में। तो अपन आगरा पहुंच गए हैं भाई 7 बजे, बिल्कुल सही टाइम पे। अब यहाँ से अपना 237 किलोमीटर बचा हुआ है, कहीं पे लगाते चाय वाय पियेंगे आराम से, देखते हैं थोड़ा आगरा निकल जाए वरना ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ का इसलिए सुबह सुबह जल्दी निकलने का डिसीजन था ये, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक वाला था कल यार पीक टाइम पे, और संडे है तो शायद आज ऑफिस वाले तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर घूमने फिरने वाले तो निकलेंगे निकलेंगे। ये भाई आगरा फोर्ट का मेन एंट्रेंस। हाँ मैं कहीं एक का पेट्रोल ही डलवा लूँ, एक का ही डलवा रहा यहाँ था, एक का ही लगेगा बस, वैसे करवाएंगे भाई। ये भी हो रहा है 7:24 हो गए गाइस, थोड़ी देर और लगेगी बस पहुँचने में। मेन तो सिटी पार कर गए भैया, हाईवे कितना अब तो निकल ही गए लगभग, है ना? हाईवे आ जाएगा ना क्लियर, तो सिटी से अपन पार हो गए, बस इसी हाईवे को पकड़ के मेन पे निकल जाएंगे। ये भी आगे रुकेंगे कहीं चाय की टपरी अपरी पे, चाय पीनी भाई, मुंह ड्राई हो रहा बहुत। भाई बस वीडियो सीधी घर पे आके एंड करेंगे, अपन तो आ गए आगरा के, आगे आ गए आगरा का जो टोल है, जो टोल ख़त्म करके सीधा झांसी में मिलेंगे, अब ऐसा कुछ दिखाने लायक है नहीं है का। ठीक है चलो, आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय। भाई अभी यहाँ पे देखा कि टाटा के मतलब टेम्परेरी बेसिस पे वो चार्जिंग पॉइंट बने हुए हैं। अभी धौलपुर से 8 किलोमीटर पहले ऐसा कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं था, इसमें ज़्यादा वो उसका वो नहीं था, एक कंटेनर रख के उसमें चार्जिंग की गाड़ियाँ लगी हुई थी। भाई सही है यार, ईवी का मतलब बढ़िया काम होगा, मतलब आगे चल के यहाँ पे एक ईवी का पॉइंट बन जाएगा। अब पता नहीं कितनी देर में क्या चार्ज है, क्या उसका वो है, लेकिन ये तो सही है, अभी गाड़ियाँ का ऐसा होना चाहिए। टाटा की साइड से यार बेस्ट है यार, मस्त है यार। देख रहा है इस तरीके से बिठाल के ले जाना गाड़ी पे, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ, देखो अब पुलिस ही नहीं पकड़ेगी भाई, स्पीड की तो बहुत चेकिंग होती लेकिन इनको कोई नहीं पकड़ेगा। देख रहे हैं आप क्या भाई, कितना लापरवाही है, देखो जरा। अब ऐसी में तो एक्सीडेंट होते हैं, ये खुली है और बैक फैन है। चलो यार थोड़ा सा गन्ने का जूस ही पी लिया जाए, वे आर अराउंड ग्वालियर, बस गन्ने वन्ने का जूस पिए यार यहाँ है, थोड़ा सा ड्राई हो रहा था, ले लो
धूप है भाई, बहुत गर्मी है। और रात में तो भाई मच्छर घुसते हो, मच्छरों ने तो आतंक कर दिया, अभी तक मच्छर मारते आ रहे हैं हम रास्ते से। गाड़ी बंद करी क्या नहीं करी, वरना चला वो नहीं है। लगभग एक घंटा और लगेगा भाई, भाई मज़ा आ गया। लेकिन इतना ट्रैफिक मिलता मुरैना धौलपुर, उसके बाद आगरा के पूरे अंदर से आओ और सिंगल लेन चंडीगढ़ वाली, भाई साहब पूरा दिमाग ख़राब हो जाता। इसलिए भाई सही होगा, घर तो पहुंच जाएंगे, अब सो जाएंगे। घड़ी तो ऑफ है, ऑफ पड़ी है, 11 के समथिंग हो गए, 11:30 बेटर। लोग तो ऐसे देखते हैं भाई कैमरा उठा रहा है। एक मोटो ब्लॉगर अभी रस्ते में दिखा था, बाइक आ रहे लद्दाख वदाख से आ रहा होगा हमारे ख्याल से, क्योंकि उसका वो फ्लैग भी लगा हुआ था भाई, और थोड़ा चलना भी हो जाता। सब अपने अपने घर निकल गए, अभी बंदे का कॉल आया था, अब सबको तो वो कल पहुँचेंगे, बहुत से लोग तो बहुत दूर दूर से आए। और अपन तो भाई इसलिए अपनी पर्सनल गाड़ी से प्रेफर करते क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हाल के हाल अपना फ्री हुए निपटो निकलो, अभी तक घर पहुंच जाएंगे। बताओ आप, सिनेमैटिक शॉट एंजॉय करो इफ तक। ग्लास तो बड़ा तगड़ा सा लग रहा है। तो भाई जूस तो बढ़िया था, एक नंबर, मज़ा आ गया। अंदर तक पूरा तरोताज़ा हो गया एकदम उसकी गर्मी में। चलो भाई अब अपन निकलते हैं घर पे, और घर पे जाके आराम से खाएंगे पियेंगे सो जाएंगे।